अच्छा दिक्कत रहता है ना, दिक्कत हम खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा। आगे बताइए, आगे यही है कि आगे बहुत जगह दिखाए, कोई असर नहीं हुआ, दिक्कत के दिक्कत ही रह गया। कहाँ कहाँ दिखाई? ऐसे डॉक्टर से भी दिखाए और जो झाड़ फूक करते हैं लोग, उन लोग से भी दिखाए हैं, लेकिन कोई परेशानी दूर नहीं हुआ गुरुजी। अभी मैं कर देता हूँ परेशानी दूर, टेंशन मत लीजिए। नींबू जायफल लीजिए। अच्छा ले लिए गुरुजी। बाल खोल लीजिए। लॉन्ग लेके बैठे नीचे। इनको भी नींबू धरा दें गुरुजी। कौन है? ये भी मेरी गोतनी है। अच्छा देवरानी है, देवरानी। ठीक है पकड़ा दीजिए। क्या नाम है आपका? किरण देवी। किरण देवी का पति देवो, क्या नाम है आपके? हाँ ऐसे मेरा गांव है बक्सर बलिहार, बक्सर जिला है, बलिहार गांव है। अच्छा चलो रखिए, मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ। रास्ते से बाएं हाथ पे घर है आपका? रास्ते से बाएं हाथ में घर बक्सर से बाएं तरफ है। ये तो आप बहुत टाइम से परेशान हैं आप। हो गया सर, मैं 4-5 साल जैसा हो गया है, मैंने अभी दो साल से बहुत ज्यादा हो गया है, पहले थोड़ा कम था, अब 2 साल से बहुत ज्यादा हो गया है परेशानी। कमर भी दर्द रहता है कमर में? नहीं कमर में तो नहीं रहता है, हल्का फुल्का कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, ये हाथ पैर में ना बहुत ज्यादा रहता है। आपको पैर में सनसनाहट भी होती है, झुनझुनाहट, झुनझुन होता है ना मूंगी जैसा, वैसा भी होता है पैर। सर जो तला है ना, दोनों तला में रात को सोने नहीं सकते हैं, पूरा झनझनाहट टाइप का होता है। और कभी 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 सुई जैसा चुभता भी है। हाँ ये सब होता है। चलिए मैं काटता हूँ, मैं ठीक है सब सही करता हूँ। सर पे रखिए नींबू जायफल, इसे सर पे रखिए। हे माधे माधे ईश्वरी आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से इनके शरीर नस नाड़ियों से लेकर शरीर के हर एक अंगों से लेकर घर के ऊपर से लेके घर के हर एक कोने से लेकर सभी बंधनों को कट करके सीधा दरवाजा बंद, नहीं तो अंदर बढ़िया पैर की एड़ी में वो टच करिए, जहां पे दर्द होता है वहां पे टच करिए। आप तलवे में खड़े हो जाइए। पंकज जी उनको ओम श्री पताल भैरवाय नमः करके उतारा करने के लिए बोलो 7 बार जैसे करते हैं। ओम श्री पताल भैरवाय नमः। जिस पैर में दर्द है उस पैर के नीचे इनका जो है कि एक नींबू रखवाइए वहीं पे जो पकड़ के रखा है।
राइट का ही जैसा मैं बोलूंगा तोड़ने के लिए वैसा तोड़ देंगे, ठीक है, दबा देंगे, मैं बोलूंगा जी दबा दो उसे, फट गया। अब वो जायफल ले लो इनके हाथ से और इनका नींबू लेके जाके रास्ते पे कट करके जो है कि फेंको उसे, कोई है तो भेजवा दो, ले लो उठाओ जी। नहीं फेंक देना ऐसे ही, जायफल को तोड़ देना पताल भैरव के नाम पे, इनका चार टुकड़ा करना नींबू का। अब कैसा लग रहा है, चल के देखिए, शरीर हल्का हो गया, पूछ लो उनको, शरीर हल्का हो गया, इनका कमजोरी आना चालू हो गई है शरीर में। हाँ, शरीर हल्का हो गया है, दिमाग बंधा हुआ था खुल गया है, बॉडी फ्री हो गई आपकी, ठीक है, जाइए आज के बाद दर्द नहीं होगा, धीरे धीरे दर्द बंद हो जाएगा, एक 5-6 दिन 7 दिन तक का थोड़ा सा कमजोरी रहेगी आपके शरीर में, बाकी सब खाना पीना खाइए, माता का नाम लीजिए, जाइए हाथ पैर धो के 5 अगरबत्ती दुर्गा माता के नाम पे जला दीजिए, ठीक है। गुरु जी प्रासा जी बताना चाह रही है वो कि कौन तांत्रिक के पास गई थी, बोलो। गुरु जी हम बाहर में गए थे औरंगाबाद के तरफ, थोड़ा झाड़ने फूकने वाला आदमी था, वो हम लोग से बहुत पैसा मैंने लिया, बोल रहा था कि ये सब दर्द हम अच्छा कर देंगे, इसमें 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 पैर में छोटे बच्चों वाली आत्मा थी तुम्हारे, और जो हम लोग का हस्बैंड मरे हुए है ना, वही हम लोग को शरीर पर आ रहे हैं, वही लोग हम लोग तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे वो आदमी हम लोग को बोल रहा था। कुछ नहीं, हस्बैंड पैर में थोड़ी जाएंगे, पैर में छोटी आत्मा जाती है, अभी टेंशन नहीं है, पूजा पाठ करिए, अभी आपकी कुल देवी पितर सब काट दिया मैंने, एक्टिव कर दिया है, ठीक है, अभी नहीं होगा दर्द, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्यों ऐसे हो गया, एक बार मेरा शरीर में ऐसे हो गया सब? सब करनी होती है ना, अड़ोस पड़ोस में जलने वाले तो बहुत तरीके के होते हैं ना, तुम्हारे कोई बाहरी थोड़ी है, तुम्हारे खुद के अपने सगे संबंधी जब ये सब करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये सब हाँ। ये सब जान के क्या करिएगा, जाके थोड़ी झगड़ा करिएगा आप, नहीं झगड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा जानकारी ले लेना है, कोई टेंशन नहीं, अभी अभी इनको पंकज नवदुर्गा शक्तिपीठ में जोड़ दो जी, ठीक है, जो भी रहेगा नियम बता देना, कोई टेंशन नहीं रहेगा, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ मैं, चलो ठीक है बेटा, जाइए उसे कट करके बाहर फेंकिए। एक चीज बोल रहे हैं गुरु जी, इनके मतलब देवर हैं, बसुर हैं, मतलब वो जेल में है, लेकिन जब डेट आता है ना, मतलब फाइनल का, तो अटकन लग जाता है कुछ ना कुछ, उसे विषय में बाद में बात करेंगे, अभी जो हो गया सब, अभी बहुत सारे लाइन में बैठे हैं। हाँ ठीक 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 गुरु, चलो जी, हाँ ठीक है, प्रणाम प्रणाम गुरु जी।